Hey, what is up guys, Axe here, welcome back to Incredible Tech. तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप जहाँ पे भी हो एक अच्छी जगह ढूंढ के अच्छे से सेटल होकर बैठ जाओ, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया. एक्चुअली मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन हो गया. लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ. और आज के इस वीडियो में जो आप रूट ऐप्स देखने वाले हो उन्हें वर्क करने के लिए रूट एक्सेस की ज़रूरत है. तो आप बिना रूट एक्सेस के अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके देखोगे तो वो ऐप्स नहीं चलेंगे. फिर आगे वीडियो को डिसलाइक नहीं करना, मतलब अभी मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. तो खैर, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि पावरफुल ऐप्स हैं. तो पावरफुल का मतलब आप इन ऐप्स को यूज़ करके हल्क या स्पाइडरमैन नहीं बन सकते हो और ना ही वॉचडॉग जैसा अपना फ़ोन यूज़ करके सब कुछ हैक कर सकते हो. पावरफुल का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं. और अगर आपका फ़ोन रूटेड नहीं भी है तो भी ये वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है और आपको पता भी चलेगा कि मतलब रूट ऐप्स कितने अच्छे होते हैं. और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना फ़ोन रूट भी कर दे, किसको पता. तो खैर, वो तो आपके ऊपर है. और मैं जानता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत पका दिया, इतना सब नहीं बोलना था. इससे पहले कि आप खुद वीडियो छोड़ के चले जाएं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी. तो आज के इस वीडियो का पहला एप्लीकेशन है GMD जेस्चर कंट्रोल. ये एप्लीकेशन मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और शायद इसको मैं हमेशा के लिए यूज़ भी करूँगा जब तक मेरे फ़ोन में रूट एक्सेस होगा. तो इस ऐप से आप जेस्चर्स के थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर 1 का जेस्चर बनाता हूँ तो मेरी मॉम को कॉल लगेगा, 2 से मेरे डैड को, 3 से मेरे भाई को, 4 से एक फ्रेंड का नंबर है, और भी ऐसे कुछ जेस्चर्स मैंने रखे हैं. खास बात यह है कि आप कहीं भी और किसी एप्लीकेशन के ऊपर भी ये जेस्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. आपको कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं ओपन करना पड़ेगा इन जेस्चर्स को वर्क करने के लिए. आप इन जेस्चर्स से ऐप भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर पिंच इन करता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और राइट साइड से मेरा प्ले म्यूजिक ओपन होगा. तो ऐप ओपन करते ही आपको मेन स्क्रीन पे आपके सारे जेस्चर्स जो आपने रखे हैं वो मिल जाएंगे. सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए मास्टर स्विच को इनेबल करना पड़ेगा, तभी ये ऐप काम करेगा. तो उसको इनेबल कर दीजिए. उसके बाद आपको नीचे प्लस बटन पे टैप करना है, जिसके थ्रू आप अपना नया जेस्चर जो है वो सेट कर सकते हैं. यहाँ पर सबसे पहले ऊपर इनेबल जेस्चर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद नीचे आपको सेलेक्ट जेस्चर पे टैप करना है. और यहाँ पे आपको थोड़े प्रीलोडेड जेस्चर्स मिल जाएंगे जो ऐप में पहले से डाले होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. और अगर आपको अपना खुद का जेस्चर बना के वो यूज़ करना है तो सिंपली रिकॉर्ड जेस्चर पे टैप कर दीजिए. तो यहाँ पे अब आपको अपना जेस्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल, मैं वाइट ड्रॉ करता हूँ. तो एक बार ट्राई करने के बाद आप अपना जेस्चर जो है वो ड्रॉ कर दीजिए, और जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस जेस्चर को सिंपली ऊपर राइट बटन पर टैप करके सेव कर दीजिए. अब आपको नीचे मिलेगा एनीवेयर का ऑप्शन, तो आपको स्क्रीन के कौन से पार्ट पे ड्रॉ करने से जेस्चर ट्रिगर होगा वो सेलेक्ट करना है. आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मिडल, बॉटम हाफ, टॉप हाफ, राइट, लेफ्ट वगैरह वगैरह. लेकिन मैं इस जेस्चर के लिए एनीवेयर ही रखूंगा ताकि मैं स्क्रीन में कहीं भी ड्रॉ करके जेस्चर ट्रिगर कर सकूँ. उसके नीचे आपको मिलेगा एक्शन, तो अब आपको अपने जेस्चर का एक्शन चूज करना है. तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं वाई जेस्चर ड्रॉ करूँ मेरा यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो. तो इसके लिए मैं जाऊँगा एप्लीकेशन में और यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट कर दूंगा. अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी एक्शन या फिर कोई भी ऐप रख सकते हैं. जैसे अगर आप एक्शन में जाओगे तो आपको नेविगेशन शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, ब्राउज़र शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, और मीडिया से आप जेस्चर्स यूज़ करके सॉन्ग चेंज कर सकते हो, फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हो, और भी कई सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर. उसके बाद आपको पर ऐप एक्शन मिल जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं कि ये जेस्चर सिर्फ कोई कोई ऐप्स के ऊपर ही काम करे तो आप वो भी कर सकते हैं. सिंपली यहाँ से ऐप चूज़ कर दीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जेस्चर सब जगह पर और सब ऐप के ऊपर काम करे. उसके बाद लास्ट एडवांस सेटिंग्स में आपको थोड़े एडिशनल सेटिंग्स मिल जाएंगे, जैसे एक्टिव ऑन कीबोर्ड और एक्टिव ऑन लॉक स्क्रीन. तो आपको चाहिए तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं. सब सेटिंग करने के बाद सिंपली जेस्चर सेव कर दीजिए. और अभी आप जहां भी वाई का जेस्चर ड्रॉ करोगे आपका यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा. आप कहीं भी ये जेस्चर ड्रॉ कर सकते हो जब तक आपका स्क्रीन ऑन है. और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको इस ऐप के बारे में. तो अभी वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये ऐप ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता होगा, तो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुन के आप बहुत खुश होने वाले हो. तो ये जो ऐप है 8 घंटे बाद आपका 1 या 2% बैटरी लेगा और ऑन एवरेज 40 MB RAM यूज़ करता है. तो अभी सबके फ़ोन में एटलीस्ट
4GB नहीं तो भी 2GB रैम तो सबके फ़ोन में होता ही है, और 2GB रैम में 40MB रैम का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, मैं तो इसको हमेशा के लिए यूज़ करूँगा जब तक मेरे पास एक रूटेड फ़ोन होगा। आप भी ट्राई करके देखो, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और भाई ऐसा ऐप यूज़ नहीं किया तो क्या फिर प्ले बुक्स यूज़ करोगे? हाँ, तो मैं जानता हूँ कि पहला ऐप थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन अभी बाकी जो दो ऐप्स हैं वो मैं फटाफट समझाने की ट्राई करूँगा। तो दूसरे नंबर पर है बैटरी चार्ज लिमिट। तो अगर आपके पास रूटेड फ़ोन है तो ये ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होना ही चाहिए, और वो क्यों मैं आपको समझाता हूँ। तो इससे पहले कि हम ऐप के बारे में बात करना स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ। तो अपने फ़ोन को रात भर चार्जिंग रखने से या फिर 5 या 6 घंटे लगातार चार्ज करने से आपका जो फ़ोन का बैटरी है उसका हेल्थ खराब होता है, ये एक मिथ था जो झूठा साबित हो चुका है, क्योंकि अभी मॉडर्न डेज के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो अपने आप 100% चार्जिंग होने के बाद चार्ज लेना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो आपके फ़ोन का जो LED नोटिफिकेशन लाइट होता है वो 100% चार्ज होने के बाद भी ऑन ही रहता है, जिसका मतलब है कि आपका फ़ोन अभी भी चार्ज ले रहा है। तो अभी क्या सच है क्या झूठा है ये तो नहीं जानता, लेकिन जब भी मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ जब मैं सोने जाता हूँ, तो मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि मेरा फ़ोन रात भर ओवरचार्ज होगा और इससे मेरे फ़ोन का जो बैटरी का हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में और बैटरी चार्ज लिमिट डाउनलोड कर लो। सबसे पहले ऐप ओपन करके ऊपर बैटरी चार्ज लिमिट का ऑप्शन जो है उसको इनेबल करके रख दो। इसके नीचे पहला ऑप्शन मिलेगा लिमिट चार्जिंग, तो यहाँ पे वो नंबर सेलेक्ट कीजिए जिस पे रीच होते ही आपका जो फ़ोन है वो चार्ज लेना बंद कर देगा। तो मैंने 97% पे रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 97% के बाद मेरा फ़ोन और चार्ज ना ले। उसके बाद रिचार्ज बिलो लिमिट में वो नंबर सेलेक्ट कीजिए जिस पे रीच होते ही आपका फ़ोन फिर से चार्ज लेना चालू कर देगा, तो मैंने 93% पे रखा है। उसके बाद आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो इनेबल कर दीजिए और उसके नीचे आपको आपका बैटरी का करंट स्टेटस मिल जाएगा। ये सब करने के बाद अभी से जब तक आपके फ़ोन में बैटरी चार्ज लिमिट है तब तक आपका फ़ोन सिर्फ 97% तक ही चार्ज लेगा, भले ही आप अपने फ़ोन को दो दो दिन पे चार्जिंग क्यों ना रखो। और 97% रीच होने के बाद आपका नोटिफिकेशन लाइट भी बंद हो जाएगा। तो मैं अपना फ़ोन यूजुअली तभी चार्ज करता हूँ जब मैं सोने जाता हूँ, तो ये ऐप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ है, क्योंकि अभी मैं अपने फ़ोन 8-8 घंटे चार्जिंग पे लगाता हूँ और सुबह उठ के देखा तो चार्जिंग 97% और 93% के बीच में ही रहता है। तो अब बारी है आज के इस वीडियो के लास्ट एप्लीकेशन की, जो कि है HEBF Optimizer। ये ऐप मैंने नवंबर में लिया था 2018 में और अभी तक यूज़ कर रहा हूँ और शायद हमेशा के लिए यूज़ भी करूँगा इसको मैं। इस ऐप से आप अपने डिवाइस पे फुल कंट्रोल ले सकते हैं, मतलब आपको जब आपके डिवाइस से जो करवाना है वो आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं बाहर होता हूँ तो मैं यूजुअली हल्के फुल्के ऐप्स ही चलाता हूँ, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्रोम, प्ले स्टोर वगैरह, तो तब मैं अपने डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो कम कर देता हूँ। जिसके लिए आपको जाना है CPU मैनेजर में और यहाँ नीचे आपको गवर्नर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो गवर्नर है उसको पावर सेव मोड पे रखना है। और आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में तो आप मैनुअली CPU का मेगाहर्ट्ज भी कम कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। और भाई इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बैटरी लाइफ पे, लेकिन परफॉर्मेंस घटिया हो जाएगा ऑब्वियसली, ट्राई करके देखो चाहिए दो। तो मैं यूजुअली फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने CPU के हिसाब से जो सही लगता है वो सेट कर लो। ये तो एक मेन रीज़न बताया मैंने जिसके लिए मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ ज़्यादा करके। तो मैं अब आपको इसके दूसरे फीचर्स बता देता हूँ। तो मेन डैशबोर्ड में आपको आपके डिवाइस का रैम, स्टोरेज और CPU का इन्फो मिल जाएगा। उसके नीचे सर्विसेज मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। उसके बाद डिवाइस ऑप्शन में आपको आपके डिवाइस का फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब एकदम डिटेल में। उसके बाद मिलेगा बैटरी का ऑप्शन, जहाँ से आपको बैटरी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाएंगे। और उसके बाद मिलेगा परफॉर्मेंस टैब, और यहाँ पर आप ये सब जो भी ऑप्शन है इन्हें इनेबल करके बिफोर और आफ्टर का फ़र्क देखो, मतलब आपका फ़ोन एकदम ज़्यादा रेस्पॉन्सिव और स्मूद हो जाएगा पहले से। उसके बाद मिलेगा VIP बैटरी सेवर, गेम बूस्टर, और भाई ये गेम बूस्टर मतलब नल्ला पाओ क्लीन मास्टर जैसा नहीं है, रूट यूज़ करके गेम को बूस्ट किया जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद इंटरनेट ट्वीक्स होगा, फिर FS ट्रिम होगा और इससे भी परफॉर्मेंस बढ़ता है FS ट्रिम से भी। फिर आपको टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, रैम मैनेजर, CPU मैनेजर और कर्नल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये कर्नल ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा आपके डिवाइस के लिए अगर आपका जो कर्नल है वो मॉडिफिकेशन सपोर्ट करता है तो, और ये मोस्टली कस्टम कर्नल्स अलाउ करते हैं मॉडिफिकेशन, इनफैक्ट मेरे में भी सपोर्ट नहीं करता ये ऑप्शन।
लेकिन ये जो ऐप है ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ है। और मैं जानता हूँ कि मैंने तीनों ऐप के लिए सेम डायलॉग यूज़ किया है, क्योंकि तीनों ऐप कमाल के हैं। मतलब पहले मैं अपने फ़ोन को 8 घंटे एक ही चार्ज में यूज़ नहीं कर पाता था, मतलब बिना गेमिंग के। लेकिन अभी मैंने जब HEBF ऑप्टिमाइज़र यूज़ करना चालू किया, तो अभी मैं अपने फ़ोन को 8 घंटे यूज़ करने के बाद भी 40-45% बैटरी जो है उसमें फिर भी बची होती है, मैं बिना गेमिंग की बात कर रहा हूँ। अगर फिर पबजी चालू कर दिया तो फिर भाई बैटरी को कोई नहीं बचा सकता। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबा था, पकाओ भी था, लेकिन जैसा भी था बनाने में मुश्किल था। तो अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और भाई कर दो यार, सिर्फ 2 टैप लगते हैं, एक टैप लाइक पे और एक टैप सब्सक्राइब पे, तो हो जाएगा सब्सक्राइब। और आप तीसरा टैप भी कर सकते हो बेल आइकन पे, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ जो होते हैं उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। करना है तो करो, कर दो भाई, बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं, करके रख दो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो यार जो भी हो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो और ज़्यादा शुक्रिया। हम अगली बार फिर मिलेंगे। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।